सो हेलो गाइज, मैं हूं प्रियांशु, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइज देख रहा हूं मैं अलग लोकेशन से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। तो भाई यहां पे एक मेरा फ्रेंड आया है जो कि मतलब सब्सक्राइबर ही मान लो, और मेरा मतलब मेरे एरिया का ही रहने वाला है। तो भाई वो बोल रहा है कि मेरे से ज़्यादा वो मेरे बाइक के बारे में जानता है। तो चलो देखते हैं भाई, आज उसका रिव्यू मैं ऑन कैमरा लेने वाला हूं। देखते हैं वो कैसा, उसको कितना पता है अपनी बाइक के बारे में, क्योंकि वो हर वीडियोज़ हमारा देखता है। अभी आकर मिला भी, बात बात भी हो रहा है। तो चलो भाई देखते हैं, उसका रिव्यू लेते हैं। वो बोल रहा है कि भाई एक रिव्यू वीडियो मैं बना देता हूं। तो मैं भी देखता हूं भाई उसको कितना आता है अपनी बाइक के बारे में। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। देख लो पीछे भीड़ भाड़ लग चुका है, चलो पूरा बाइक के ऊपर। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं भाई उसका रिव्यू। ये देख लो भाई, ये आ गया है, अपना रिव्यू देगा। बताओ अपने बारे में। भाई के घर, प्रांशु भाई के घर के सामने ही मैं रहता हूँ। मैंने ना एक बार प्रांशु भाई को बोला कि भैया मैं एक व्लॉग में आपका आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुरंत आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए हमेशा ओपन है मेरा व्लॉग। तो मैं आ गया हूँ। तो आपको मैं आज समझाने जा रहा हूँ कि इसका BMW G310 का क्या क्या फीचर्स है। सो गाइस देखो, पहले तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ लिखा है प्रियांशु केसरी, जो हमने लिखा था BMW में लिख के नहीं दिया था। उसके बाद आप देखो एक ये सबसे पहला तो यही इसका एक लुक है, जहाँ लिखा हुआ है BMW, जो किसी के पास होता नहीं है। अब यहाँ कुछ और यहाँ लिखने से तो ये बाइक उतना वैल्यूएबल नहीं है, बट BMW लिख देने से बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। उसके बाद आ जाओ आप इसका सस्पेंशन में, ये इतना मोटा सस्पेंशन है, इसमें लगता है कि कार का सस्पेंशन दिया है। मारुति ने तो इसी सस्पेंशन को अपनी गाड़ी में यूज़ किया होगा। बाय बाय टाटा गुड बाय। बाकी अगर आप नॉर्मल बाइक की सस्पेंशन देखते हो, उसका सस्पेंशन एक बार आप देखो, लगता है एक रड है, बस उसी को छानना जा रहा है। उसके बाद एक ये देखो, इसका बैक सस्पेंशन तो इतना मोटा है कि आप कह नहीं सकते हो। जो एक नॉर्मल बाइक में एक पतला सा सस्पेंशन होता है, जिसका अगर दोनों दो होता है, जिसका दोनों भी मिक्स कर देंगे तो इसके बराबर शायद नहीं हो पाएगा। तो आप आगे आते हैं, ये आप जो रेड कलर का जो आयरन देख रहे हो, ये जो लोहा है, ये नॉर्मल लोहा नहीं है, ये बहुत ही हार्डेस्ट लोहा है जो कार में यूज़ होता है। ये कार कंपनी वॉल्वो में वगैरह में यूज़ होता है। अगर आप उसका बेस देखोगे तो उसमें यही लोहा लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। ये ओरिजिनल लोहा है, ये पूरा एक यानी कि अंदर से खोखला नहीं है, ये अंदर से भी लोहा है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। उसके बाद अगर आप आओगे इसके बैक पे, तो यहाँ पे आप देखो कि एक पकड़ने का भी बैठने के लिए दिया गया, आप यहाँ पे पकड़ के बैठ सकते हो। बाकी नहीं पकड़ोगे तो अब तुम्हारा गलती है, ये बाइक स्पीड में रहेगा तो उड़ने का चांसेस ज़्यादा होता है, तो आप वो देख सकते हो। उसके बाद अपने यहाँ पे कुछ दिन पहले एक मॉडिफिकेशन कराया था, बट उसको फिर से लगाना पड़ा क्योंकि बहुत ही डिस्टर्बेंस हो रहा था। अच्छा नहीं, भाई हर वीडियो हमारा देखता है इसलिए सब पता है कि कौन सा मॉडिफिकेशन करवाया है, हमने क्या नहीं कराया। उसके बाद आ जाओ आप यहाँ पे इसका साइलेंसर पे, इसका साइलेंसर भी इतना मोटा और इतना बढ़िया लगता है, यहाँ से लुक क्लासी लुक देता है एकदम, यहाँ से राउंड टाइप का गया हुआ एकदम, बहुत मस्त लगता है। उसके बाद अगर इसका इंजन देखा जाए तो इसका इंजन पता नहीं चलता है, सिर्फ यहाँ पे एक BMW का, यहाँ पे भी आपको बहुत ही बढ़िया से लोगो दिखेगा, जो कि बहुत अच्छा लगता है। BMW, थैंक्स टू BMW जो उन्होंने ये बाइक निकाला, बहुत ही अच्छा लगता है ये बाइक। उसके बाद इसका इसके फाइबर के कारण पूरा इंजन तो दिखता नहीं है, लेकिन इंजन अगर दिखे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंजन होता है इसका। हम लोग क्योंकि एक बार इसको खुलवा चुके हैं जब सर्विसिंग करने आए थे, तो इसको एक बार खोले थे, तो ये इतना अच्छा लग रहा था इंजन देखने में, एकदम बड़ा सा इंजन था। हम लोग खुद सोचे बाप रे बाप, कितना बड़ा इसका इंजन है। तो उसके बाद हम लोग इसका फ्रंट लुक पे आते हैं, जो कि आपको डबल प्रोजेक्टर दिया जाता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। प्रोजेक्टर का आपको शायद मतलब तो मालूम ही होगा, प्रोजेक्टर लाइट को एक तरफ आकर्षित करता है, जैसे कि एक टॉर्च में एक प्रोजेक्टर सामने में लगा रहता है, वो पतला रहता है, उसको इससे कंपेयर मत करना। ये बहुत ही मोटा सा बहुत ही मोटा प्रोजेक्टर लगा रहता है, इसका लाइट तो बहुत ही अच्छा है, अंधेरा में हर चीज़ नज़र आता है। उसके बाद अभी आप KTM में देखोगे कि KTM में ये तो देता है, लेकिन यहाँ पे अंदर में लाइट रहता है, तो ठीक ही है, लेकिन इसका एक अलग ही मज़ा है। ये इसके अंदर लाइट अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पे जो लाइट लगता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी हम लोग ने एक और मॉडिफिकेशन कराया है, जिसमें प्रियांशु लिखा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा ये भी लग रहा है, लेकिन ये वैसे तो इलीगल है। इसका नीचे हम लोग का आपका नंबर प्लेट है, इसको जुगाड़ के कारण लगाया गया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये चलता है, अपन वीडियो बनाने के लिए शूट करते हैं। उसके बाद ये देखो, ये तो एक राउंड होता है, ये तो और ही अच्छा है, थोड़ा सा टाइट है लेकिन ये अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ही क्लासी लुक देता है पल्सर। पहले पल्सर 220 में ये चीज़ आता था, ये उस समय का बाइक पल्सर 220 जो 2012-13 में था, उस समय ये चीज़ पल्सर देता था, आज ये BMW देता है। इसका भी ये जो मेटल है बहुत ही हार्ड लोहा है, यानी कि ये टूटेगा नहीं जल्दी, बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, तो इसका सबसे पहले आप मीटर देखो,
इसका मीटर अभी इतना धूप है जिसमें हम लोग का मोबाइल नहीं दिखता है, उसमें ये मीटर इतना क्लियर बता रहा है, तो आप सोच सकते हैं उसका ब्राइटनेस कितना हाई होगा, कितना अच्छा लगता है। हम लोग का मोबाइल अभी डेड हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है, लेकिन इसमें हर चीज़ दिखता है। इसको अगर प्रांशु में तो इसमें आज तक चलाया भी नहीं हो ना तो बैठा हूँ, तो आइए प्रांशु भैया से पूछते हैं इसको लास्ट कितना इन्होंने हाई स्पीड में दौड़ाया है, इसको कितना टॉप स्पीड चला चुके हैं भाई। अभी 168 किलोमीटर तो जा चुका है, देख लो यहाँ पे बताता है। दिख ही नहीं रहा यहाँ पे तो धूप के कारण, कैमरा के कारण नहीं दिख रहा, बट ये मेरे को क्लियर दिख रहा है। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये यहाँ पे पूरा क्लियर दिख रहा है कि यहाँ कितना क्या नहीं है। अगर आप इसको राइड भी करते हो, कितना भी कड़ा धूप रहे, आप इसको पूरा देख सकते हो। अब आते हैं इसका हैंडल का बात, तो इसका हैंडल में तो लगता है ना कार जैसा फीचर है, खाली फीचर और बटन ही बटन है, लगता है ना इसको लगता है खाली BMW कुछ छोड़ दिया था जिसमें, नहीं तो ये अपने से भी चलता, आप खाली हाथ बांध के खड़े रहते। तो आइए अब आपको बताते हैं इसको, जैसे अगर आप दबाते हैं तो आपको चारों इंडिकेटर जलता है, आजकल बाइक में आता है लेकिन उस टाइप का नहीं आता जिसमें बहुत अच्छा तरीका का यहाँ दिया गया। उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो तीन साइड का लाइट दिया, एक दो और ये तीन, तीन आपका क्या होता है वो बम्प, ये है हाई बीम लो बीम है, तो उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसमें आए तो आपको यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट मिलता है, जो कि यहीं से आपको लॉक भी, यहीं से आपको ऑफ भी होता है, यहीं से आपको ऑन भी होता है, ये अभी मीडियम में। अब ये देखो तो अभी ऑफ करते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसका हाई आवाज़ है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ है। उसके बाद इसका हॉर्न पे आते हैं तो कंपनी फिटेड बहुत अच्छा हॉर्न आता है, जो कि नॉर्मल बाइक में बहुत ही अजीब टाइप का रहता है। उसके बाद इसका फ्रंट में आते हैं, इसके बारे में बात करते तो ये बहुत ही अच्छा आपको हाइट के साथ मिलता है, बहुत ही इसका लंबा सेवन जो भी है बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आप इसमें सिर्फ तो फीचर है, अगर हम बताते रहेंगे ना तो तीन दिन मुझे लग जाएगा इसको पूरा कंसल्ट करने में, आपको पूरा का पूरा बताने में। उसके बाद अगर आप इसमें देखोगे तो ये ऐसा लगता है ना कि ये घसा हुआ एरिया और यहाँ पे दो उठा हुआ एरिया, ये गांव है, ये शहर है और ये आपका पहाड़ है। तो अब चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते, एक राइड मैं लूँगा या फिर प्रांशु भैया ही चलाएंगे क्योंकि मुझे चलाने में तो थोड़ा लगेगा। चला लो देख रहा हूँ। तो हम और आप चलिए ना कैमरा से आपको भी शूट करके दिखाते हैं कैसा ये, मेरे को इसका क्या लगता है कैसे चलता है। मैं उसको चलाता हूँ, उसका मैं उसको लास्ट 95 टच किया हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, एक बार स्टेशन जा रहा था तो 95 उसको टच किया था। अब इसको देखते हैं क्या है इसमें, तो इसको उतना स्पीड नहीं चलाएंगे, नॉर्मली स्पीड में रखेंगे, अच्छे से चलाएंगे। चलिए तो चलते हैं। भाई चलते हुए मस्त लगता है, क्या मस्त लग रहा है ना। कैसा लगा चलाने में? बहुत ही मज़ा आया। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम चलाओगे तो नॉर्मल बाइक से थोड़ा सा अलग है, इसको आपको अगर एक बार में क्लच छोड़ोगे तो वैसा नहीं है, थोड़ा सा क्लच लेके ही चलना है, बट नॉर्मल बाइक में क्या चला सकते हो, इसको थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा इसका, बहुत ही अच्छा इसका फीलिंग आया मेरे को चलाने में, लगा कि आज कुछ बाइक चला रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मेरे को। एक्सीलेटर उतना इतना सही, मैं एक्सीलेटर एकदम हल्का सही एक्सीलेटर लिया था, जो पूरा राउंड लिया। अब मैं सोचता हूँ अगर ये फुल एक्सीलेटर लेने के बाद इसका क्या होता है। तो आज का ब्लॉग देखिए, हम लोग इसके बारे में बताए, और थैंक्स टू प्रांशु भैया जो हमको बुला लिए अपना ब्लॉग में, मना नहीं किए कि आ जाओ, मुझे तुरंत ही बोल दिए कि आ जाओ। तो इस वीडियो में आप ढेर सारा लाइक करो, बहुत ही आप लोग का प्यार के कारण ही हम लोग आगे बढ़े, आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहो तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, और शायद आपके लिए कुछ दिन में न्यू बाइक भी ले लें अगर आपका ऐसे ही प्यार रहा तो। न्यू बाइक लेंगे भाई ज़रूर। तो चलो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हो, होप करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।